तो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले पनीर के पकौड़े, उसके लिए मैंने पनीर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और यहाँ पे उसका मिक्सचर रेडी करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने लिया बेसन, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड किया है। अपने हाथों में अच्छे से उसको थोड़ा सा प्रेस करके उसके पाउडर जैसे फॉर्म में इसको मिक्स करना है यहाँ पर। उसके बाद मैंने ऐड किया है थोड़ा सा जीरा, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा आप ऐड करेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक लिया है एज़ पर टेस्ट, जिसको वो जैसा टेस्ट पसंद हो, नमक का कम ज़्यादा आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड किया अजवाइन, उसको भी हाथों में अच्छे से थोड़ा सा मसल के ऐड किया ताकि उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद हम पानी डालेंगे, इसका मिक्सचर रेडी करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं रखना है या बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना है, एक मीडियम कंसिस्टेंसी में रखना है ताकि वो पनीर जब हम इसमें ऐड करें तो वो अच्छे से कोट हो जाए। और तब तक हम यहाँ पे गैस में कढ़ाई रख देंगे ताकि तेल गर्म हो जाए। और जब तक ये तेल गर्म हो रहा है तब तक हम इस मिक्सचर में पनीर को थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देंगे ताकि उसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर चला जाए। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम यहाँ पर इसमें फ्राई करने के लिए अपने पनीर के पीसेस को डाल देंगे। जब तक कि ये फ्राई हो रहा है तब तक हम हरी चटनी बना लेंगे इसके साथ, क्योंकि पकौड़ों के साथ अगर जब तक हरी चटनी ना हो मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने लिया हरा धनिया, उसके साथ मैंने तीन हरी मिर्च लिए, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भुना जीरा भी ऐड किया है। और हम इसके बाद पानी थोड़ा सा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा रेडी हो गया है। इसको एंड में मैंने थोड़ा सा नमक और नींबू के रस के साथ थोड़ा सा मिक्स कर दिया और ये हमारा हरी चटनी आ गई और हमारे पनीर के पकौड़े भी बन गए हैं। तो बस इसको एंजॉय करिए, आप खुद एंजॉय करिए, अपने फ्रेंड्स को खिलाइए, अपने फैमिली को खिलाइए। और प्लीज़ अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।